हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं यहाँ पे मेन कोर्स फूड के। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे रेंज अवेलेबल है। तो अभी अब्दुल सर है, हमें एक एक करके सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली फूड है ये हम कभी डॉग को दे सकते हैं और कितना बेनिफिशियल है। अब्दुल सर ओके, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। एक कॉम्बो ऑफर है, तो बेसिकली ये जो ऑफर दिख रहा है आपको, ये कैट और डॉग दोनों में अवेलेबल है। ये जो है ये 3+1 kg का ऑफर है। 3 kg का आप बैग लेते हो तो 1 kg आपको डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री आती है। इसी में ये सेम डॉग का रेंज है, ये ड्रूल्स कंपनी का फूड है, हाईली न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन इंक्लूडेड है इसके अंदर। नेक्स्ट आप देख सकते हो विस्कस, बेसिकली विस्कस इज फॉर कैट, तो ये कैट के लिए फूड होता है। तो ये जो है ये बिगर पैक है एंड स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं दिस इज फॉर जूनियर, ओके यानी 2 मंथ 2 12 मंथ्स के आप कैट को दे ओके सकते हैं। इसके अंदर फ्लेवर है मैकरल, ओशन फिश, किटन में ये 2 फ्लेवर्स आते हैं। इसके बाद में नीचे है स्मॉल साइज के पैक फॉर एडल्ट, जिसके अंदर एक टूना फ्लेवर है, मैकरल फ्लेवर है, ओशन फिश फ्लेवर है। इसके बाद में ये जूनियर है स्मॉल साइज में। सिमिलरली 1 kg, 3 kg एंड 7 kg यहाँ बैग में अवेलेबल है। ये सिमिलरली विस्कस में जेलीज होते हैं जो कैट को आप बेसिकली राइस में, फूड में या फिर डायरेक्ट भी दे सकते हो आप। तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि इसके अंदर ये हाईली प्रोटीन और न्यूट्रिशन फूड है, ठीक है, और डायरेक्ट इंटेक होता है तो डाइजेशन के लिए इशू वगैरह नहीं होता। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, चिकन हो गया, टूना हो गया, सैलमन हो गया, ओशन फिश हो गया, ये 4-5 फ्लेवर्स आते हैं। प्लस सीबा करके एक कंपनी है, सिमिलर कंपनी का है, इनके भी सारे ग्रेवीज अवेलेबल हैं। अच्छा, ये पूरा मतलब ये लिक्विड फूड के ये लिए, सारे लिक्विड लिक्विड फूड फूड्स है ये, हैं, सारे लिक्विड ये फूड है। सारे लिक्विड फूड्स हैं। और ये जो हम लोग ने जो देखे हार्ड फूड है, हाँ ये हार्ड फूड है। तो अब्दुल सर ये जो है पेडिग्री का, यहाँ पे मैं बहुत सारे जो बैग्स है वो देख रहा हूँ, मैं इसीलिए मतलब कौन से डॉग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा मंथ का कुछ क्राइटेरिया है कि इतने मंथ से लेके इतने महीने तक हम लोग यूज़ कर हाँ, तो सकते जैसे हैं। सिमिलर हमने विस्कस में देखा जूनियर और एडल्ट के लिए होता है, सिमिलर पेडिग्री में भी होता है। और पेडिग्री में डिफरेंट क्वालिटी और डिफरेंट रेंज है। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ये प्रोफेशनल रेंज के फूड है पेडिग्री के, इसको पेडिग्री प्रो बोलते हैं। हाँ तो कॉस्टिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा है बट फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल रेंज में आपको 3 वेराइटी मिल जाएगा, स्टार्टर, पपी लार्ज ब्रीड और एडल्ट एक्टिव। इसमें 1 kg, 3 kg, 10 kg का बैग्स अवेलेबल है। अच्छा उसके बाद सिमिलरली पेडिग्री में ये जो आप देख रहे हो ये छोटे साइज के पैक हैं, जिसमें 2 साइज आता है, एक एडल्ट और पपी। पपी जो होता है वो 2 to 12 मंथ्स के पपी इसको दे सकते हो, उसके ऊपर के पपी इसको आप एडल्ट का फूड दे सकते हो। तो यहाँ पे लिखा रहता है हाँ, सारा। यहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन है पपी एंड एडल्ट। सिमिलरली इसमें भी 400 ग्राम्स, 1.2 kg, 3 kg, 10 kg, 15 kg एंड 20 kg बैग्स अच्छा अवेलेबल है। इसके अंदर 4 फ्लेवर्स होते हैं, चिकन एंड वेजिटेबल एडल्ट में, मीट एंड राइस एंड 100% वेजिटेबल, और पपी में चिकन एंड मिल्क। यहाँ पे अलग ब्रांड है। हाँ, ये अलग ब्रांड है, स्पेसिफिकली रॉयल कैनल, ठीक है। हाईली प्रोटीशन न्यूट्रिशन इंक्लूडेड है ये प्रोडक्ट जो है, ये साउथ अफ्रीका थाईलैंड से बन के आता है, अच्छा ठीक है। इसमें आप देख सकते हो अलग अलग स्पेसिफिक डॉग्स के लिए फूड आता है। जैसे आप फर्स्ट देख रहे हो मिनी पपी, तो जो छोटे साइज के पपीज होते हैं जैसे पमेरियन हो गया, लासा हो गया, शिज़ू हो गया, उनके लिए स्टार्टर पैक है, उसके बाद में पपी एंड उसके बाद में एडल्ट। सिमिलरली मैक्सी, मैक्सी में भी मैक्सी स्टार्टर, मैक्सी पपी, मैक्सी एडल्ट। तो ये जो जाइंट ब्रीड होते हैं ना, जैसे जर्मन हाँ शेफर्ड हो गया, आपके लैब्राडॉर्स हो गए, उनके लिए ये यूज कर सकते हो। मीडियम स्टार्टर, इसमें भी स्टार्टर, पपी एंड एडल्ट तीनों साइज अवेलेबल है। ये जो है ये आप आपके जो लैब्राडॉर्स होते हैं जैसे मीडियम साइज के कैटेगरी ब्रीड, उनके लिए आप ये यूज कर सकते हो। अच्छा इसके अलावा इसमें भी 3-4 साइज आते हैं, जैसे 1 kg, 4 kg, 3 kg, 8 kg, 15 kg। इसमें और भी कैट के रेंज भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे
फैट रेंज के पहले मैं आपको एक फूड दिखाना चाहूँगा। ये जो फूड है ये बेसिकली गैस्ट्रो का फूड है। तो बहुत सारे डॉग्स का ऐसे इशू होता है कि उनको गैस्ट्रो हो गया, अब उनको फूड क्या देना है। तो ये जो फूड है ये फूड स्पेसिफिकली जब उनको गैस्ट्रो हो जाता है उस टाइम पे देना होता है। इसके अंदर कुछ लो फैट मटेरियल्स होते हैं जिससे उनको मतलब डाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। स्पेसिफिकली फॉर शिज़ू। सिमिलरली गोल्डन रिट्रीवर का भी मिल जाएगा, लैब्राडोर का भी मिल जाएगा। तो कुछ स्पेसिफिक भी फूड है जो पर्टिकुलर पपीज के लिए अवेलेबल है। उसके बाद में नीचे का जो आप देख रहे हो कैट की रेंज है। अच्छा, कैट रॉयल कैनल कैट, इसके अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, जैसे पर्शियन किटन है, पर्शियन एडल्ट है, डाइजेस्टिव केयर है, किटन सेकेंड एज है, यूरिनरी केयर है। अगर यूरिन का किसी को इशू हो रहा है कैट को तो ये वाला फूड आप यूरिनरी केयर करके जो है ये आप उनको दे सकते हो। उसके बाद में ये सेकेंड नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये एडन ग्रीन एंड फिडिल, ये जो कंपनी है ये बेसिकली फ्रॉम थाईलैंड, ठीक है। और ये बहुत रेयर फूड है, सब जगह पे आपको नहीं मिलेगा। मलिया का फूड है बेसिकली। इसके अंदर आपको एडल्ट पपी दो वेराइटीज आता है और 1 kg, 3 kg एंड 10 kg बैग्स में अवेलेबल है। बेसिकली ये जो प्योर पेट का फूड है ना, जैसे अभी बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो रॉयल कैनल अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो इस बैग के लिए जा सकते हैं जिसमें 1.2 kg का 199 MRP है एंड 3 kg का 499 MRP। अच्छा, प्लस कुछ ऐसे कस्टमर्स है जो स्टे कैट्स को भी फीड करते हैं रोड साइड वाले के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसमें 7 kg 20 kg बैग्स अवेलेबल। अच्छा, 999 7 kg का है और 255 20 kg बैग। नेक्स्ट जो सेक्शन आप देख रहे हो तो ये स्मार्ट हार्ट के डॉग फूड्स हैं। इसमें भी मदर एंड पपी होता है, फिर पपी होता है, एडल्ट होता है, पावर पैक्स है। पावर पैक जो है बेसिकली इमीडिएट बूस्टर्स है। अच्छा, और हाईली प्रोटीशन एंड न्यूट्रिशन उसके अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज प्यूरिना। तो प्यूरिना बेसिकली नेस्ले का प्रोडक्ट है ये, ठीक है। नेस्ले में भी अभी फूड चालू किया है डॉग्स के लिए, तो इसमें भी 3-4 वेराइटीज है, जैसे सुपर कोट हो गया, ये कोट के लिए है, प्रो प्लान है, ग्रोथ के लिए है, स्मॉल ब्रीड पपी के लिए है, स्मॉल ब्रीड एडल्ट के लिए है। फिर ड्रूल्स के फोकस स्टार्टर्स भी हैं, पपी है, एडल्ट है, ड्रूल है, ड्रूल्स है। ड्रूल्स का ग्रेवी है, कैनाइन क्रिक है, लारा है, नेक्स्ट जो सेक्शन हम देखने वाले हैं ये म्याओ कंपनी का फूड है। ये बेसिकली कैट फूड है सिर्फ, इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे पर्शियन किटन है, पर्शियन एडल्ट है, सैल्मन है, किटन ओशन फिश है, इसके बाद में चिकन एंड वेजिटेबल है, सी फूड है, मैकरल है, गॉर्मेट है। इसमें भी आपको 400 grams, 1.2 एंड 3 kg, 7 kg, 20 kg बैग्स अवेलेबल है। इसी के साथ आप ये जो बैग देख रहे हो ये बेसिकली कैट लिटर्स है। तो कैट की एक हैबिचुअल होती है कि वो किसी जगह पे जाके मतलब टॉयलेट और यूरिन वगैरह करती है, तो इसके लिए एक टब होता है। वो टब में आप ये सैंड डाल के रख दोगे, इसके फ्रेगनेंस से वो अट्रैक होके उसी जगह पे जाके वो अपना जो भी अच्छा करना है वहां पे करेंगे। जैसे आप देख रहे हो अभी ये जो बैग आपको दिख रहा है ये चापी फूड है। तो दिस इज 20 kg बैग, 2650 MRP होता है इसका। और ये जो बैग है ना ये जनरली स्टेट ऑफ फीडर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि 20 kg है प्लस अमाउंट भी है, कम है, तो स्टेट ऑफ फीडर के अफोर्डेबल प्राइस में ये आ जाता है। यहाँ पे बड़ा भी पैक है पेडिग्री। हाँ, ये पेडिग्री का 10 kg का पैक। अच्छा, इसी के साथ में 15 kg, 20 kg भी अवेलेबल।
इस वीडियो में हम लोग ने बहुत सारे ब्रांड्स के फूड्स है, मेन कोर्स फूड्स है, उसको हम लोग ने कवर किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिल जाए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, टेक केयर एवरीवन एंड बाय।